गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस. आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल. व्रत से संबंधित और भी वीडियो आप इस चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने फिर से रिवाइज के तौर पर आपके सामने व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल का वीडियो लाई हूँ. चलिए शुरू करते हैं. व्रत से क्या आप देख रहे हैं, इस चित्र में एक व्रत बना हुआ है. कोई भी आप एक वृत्ताकार चीज ले लीजिए या कोई सर्कल जैसी या चूड़ी ले लीजिए, तो अगर चूड़ी को रख के आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने व्रत की आकृति आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने भी इसे कुछ चीज को रख के ड्रॉ किया है और यहाँ पर व्रत का केंद्र आपके सामने दिख रहा है. जो सेंटर पॉइंट होता है ये होता है व्रत का केंद्र. ठीक है, और ये जो चारों ओर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है गोला, तो चारों ओर की दूरी है वो कहलाएगी व्रत की परिधि. यानी कि व्रत में हमें कितनी चीजें देखनी है, पहला है केंद्र, दूसरा है परिधि. यानी केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से अगर समान दूरी के बिंदुओं को मिला दे तो व्रत की परिधि प्राप्त होती है. यानी चारों ओर चली गई दूरी परिधि कहलाती है और इसी को हम व्रत का परिमाप भी कहते हैं. परिमाप यानी चारों ओर की माप. अगर वर्ग की बात होगी तो परिमाप में क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग. और अगर व्रत की बात करेंगे तो परिमाप को हम परिधि कहेंगे, यानी चारों ओर चली गई दूरी को व्रत की परिधि कहते हैं. ठीक है, ये है केंद्र और ये जो है ये चारों ओर जो दूरी चल रही है ये हो गई व्रत की परिधि. अगली चीज हम देखते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हमें व्रत के सारे अवयव का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए आगे हम बात करेंगे त्रिज्या की. त्रिज्या क्या होती है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको रेडियस भी बोलते हैं. तो व्रत के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं. अगर केंद्र को मैंने O नाम दिया है और परिधि के बिंदु को A नाम दे रही हूं, तो O है A हमारी त्रिज्या हो जाएगी, या त्रिज्या क्या होगी, O A. ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्या की बात. अब अगर बात करें व्यास की, तो व्यास क्या होता है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अटपटा लगेगा, तो पूरा देखिएगा तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. व्रत का व्यास क्या है, तो O से A को मिलाया मैंने तो ये हो गई त्रिज्या. लेकिन त्रिज्या का दुगुना मैं कर दूं तो हमारा व्यास प्राप्त हो जाएगा. यानी कि यहां पर एक और बिंदु मैंने B ले लिया है, तो B को भी मैं अगर O से मिलाती हूं, सीधा आपको मिलाना है, B को O से मिलाऊंगी तो यहां पर जो AB ये रेखा प्राप्त हो गई, ये व्रत का व्यास है. यानी कि AB व्रत का व्यास हो जाएगा. ठीक है, तो व्रत का व्यास है, उसकी विशेषता क्या है, देखिए R और यहां 2R है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना होगा व्रत का व्यास. आगे इसकी एक और विशेषता बताऊंगी, पर उससे पहले हमें देखना है जीवा को. क्या देखेंगे, जीवा. जीवा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा. जीवा होती है परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मैंने मिला लिया, P और Q, यहाँ दो बिंदु थे इसको मिला लिया, या फिर मैंने ये B से ही यहाँ पर M को मिला लिया, तो ये जो परिधि के दो बिंदु हैं, तो परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम व्रत की जीवा बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ जीवा क्या हो गई, देखिए पी क्यू एक जीवा है और बी एम भी एक जीवा है, तो पी क्यू भी जीवा हो गई और बी एम भी जीवा हो गई. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जीवा क्या होती है. ठीक है, और तो व्यास की जो विशेषता हम बात कर रहे थे उसमें एक विशेषता यह है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है व्रत का व्यास. यानी कि व्यास देखिए ये भी परिधि के दो बिंदुओं को ही मिला रहा है, लेकिन विशेषता यह है कि जो केंद्र से गुजरता है, ठीक है, ये किससे गुजर रहा है, केंद्र से, इसलिए ये व्यास है और व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी है. फिर बात करेंगे त्रिज्य खंड और व्रत खंड के बारे में. त्रिज्य खंड ये मैंने क्लास 7 का टॉपिक लिया है. क्लास 7 में एक्सरसाइज 11 में परिमाप और क्षेत्रफल का टॉपिक है, उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें त्रिज्यखंड व्रतखंड नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ त्रिज्यखंड और व्रतखंड क्या होते हैं. देखिए आप ऐसा कोई भी गोल केक लाते हैं, ठीक है, और हम केक को अगर इस बेस पे काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं, ये केंद्र हो जाएगा. आपने यहां से ऐसे काट लिया, ठीक है, अगर इसको मैंने ओ नाम दिया, इसको ए और इसको बी, तो ये जो कहलाएगा
त्रिज्यीय खंड, नाम से स्पष्ट है, त्रिज्य यानी त्रिज्या, खंड यानी टुकड़ा, तो दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, फिर आई बात वृत्त खंड की, तो इसी को देखिएगा यहाँ पर। अगर वृत्त के दो भाग कर दिए जाए यहाँ से ए बी, तो ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है। ठीक है, तो वृत्त के दो टुकड़े हो गए, जरूरी नहीं है बराबर हो, तो वृत्त के दो टुकड़े हो गए तो एक भाग हो जाएगा वो कहलाएगा वृत्तखंड, दूसरा भाग दूसरा वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, आप बात एक और चीज आती है चाप। चाप क्या होगा, देखिए ये भी एक चाप है यहाँ पर, और यहां से देखेंगे तो ये भी एक चाप है। ठीक है, तो चाप को आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि चाप क्या होता है। अब बात आती है अर्धवृत्त। वृत्त तो आप समझ गए पूरा है, अब नाम है अर्धवृत्त की। अगर मैं कोई भी व्रत बनाती हूँ और उसको मैं आधा करती हूँ, जैसे आप रोटी खाते हैं गोल रोटी होती है, उसके आप दो टुकड़े करते हैं आधी आधी, अगर किसी को आधी रोटी चाहिए तो वो क्या कहलाएगी, अर्धव्रत कहलाएगी। ठीक है, आधा व्रत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये तो केंद्र ही रहेगा और ये त्रिज्या रहेंगी, ये त्रिज्या आर और आर दो आर है, इसलिए ये व्रत का व्यास हो जाएगा और ये क्या कहलाएगी, परिधि। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखनी है, तो हम परिमाप और क्षेत्रफल में व्रत को भी देखेंगे और अर्धव्रत को भी देखेंगे। चलिए, ये तो हो गई शॉर्ट में बात व्रत के अवयवों की। अब देखते हैं व्रत का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप मैंने आपको बता दिया, परिधि को ही हम व्रत का परिमाप कहते हैं। तो इसका सूत्र है व्रत का परिमाप या व्रत की परिधि। ठीक है, व्रत की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। क्या सूत्र है, 2πr। यहाँ पाई का मान आप देखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7। पाई एक नियतांक है, इसका मान आपको ध्यान रखना है। और सवाल में r यहाँ पर क्या है, तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारे सवाल में दे रखी होती है। त्रिज्या नहीं दे रखी होगी तो व्यास दे रखा होगा। ठीक है, तो व्यास अगर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है, 2r लिखेंगे, व्यास दे रखा होगा और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, व्यास बटा 2 कर देंगे। ठीक है, व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, और हमको r निकालना है तो आप करेंगे व्यास बटा 2। तो व्यास का आधा करेंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी, और अगर त्रिज्या आ जाएगी तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र लगाकर हम व्रत की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा सूत्र, आपको ये वाला याद करना है, व्रत की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, अब ये परिधि का सूत्र हो गया 2πr। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले समान ही दिख रहे हैं, 2πr परिधि हो गई, लेकिन यहां पर वर्ग इकाई नहीं लग रही, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई लगती है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल का आंसर आएगा तो वर्ग सेमी में आएगा, या मीटर है तो वर्ग मीटर में आएगा। ये स्क्वायर का मतलब गुणा होता है। ठीक है, दो है 2πr, यानी पाई तो रखना है और आर को क्या करना है, दुगुना। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी व्यास दे रखा है तो आपको इसमें पाई का गुणा कर देना है, अलग से त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है इसमें। अब व्रत का क्षेत्रफल है πr², तो यहाँ भी पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 22/7 गुणा आर गुणा आर। ठीक है, तो आर गुणा आर यानी r², तो यहाँ दे रखा होगा सवाल में r² क्या होता है। अब परिमाप आप समझ गए क्या होता है, तो चारों ओर की माप होती है परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी बंद आकृति, बंद आकृति होनी चाहिए, खुली आकृति नहीं होनी चाहिए, कोई भी बंद आकृति होती है उसके तल द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका परिमाप कहलाता है। यानी कि कोई भी आकृति है, जैसे मैंने व्रत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो अंदर जो भाग ये घेर रही है ये उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, और परिमाप है तो इसकी चारों ओर की जो दूरी है वह इसकी परिधि या परिमाप कहलाएगी। तो ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अर्धवृत्त क्या है ये आपको बता दिया मैंने। अब अगर अर्धवृत्त का परिमाप, अब देखिए व्रत का परिमाप तो आपने देख लिया 2πr है। ठीक है, आधा व्रत है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप। अब देखिए क्या हो जाएगा,
व्रत आधा है तो इसका बटा दो करेंगे, क्या करेंगे 2πr/2, इसको आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास 7 की बुक से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 यहाँ पर दे रखा है हमारा, पेज नंबर है 236 पे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल की बुक से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए एग्जांपल नंबर 12 में देखती हूँ, 10 सेमी व्यास वाले एक व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा सवाल है, व्रत का व्यास हमें ज्ञात कर, व्यास दिया हुआ है, यानी देखिए व्रत का व्यास मैं लिखूंगी, व्रत का व्यास क्या दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि का सूत्र हमने पढ़ा था, परिधि का सूत्र क्या था 2πr, 2πr यहाँ पर सूत्र दे रखा है, या व्यास को हम डी भी बोलते हैं तो इसका सूत्र ये भी हो सकता है, व्रत की परिधि अगर व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर यही दिया है कि व्रत का व्यास को हम डी बोलते हैं, व्रत की परिधि हो जाएगा पाई डी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्यास का मतलब क्या होता है 2r, है ना, तो यहाँ पर 2 भी है और r भी है तो सिर्फ पाई का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर व्रत का व्यास निकालेंगे यानी कि सॉरी परिधि निकालेंगे तो परिधि हो जाएगी हमारी 22/7। लिखिए पाई का मान क्या है 22/7, या लिख सकते हैं 3.14, तो सहूलियत के लिए हम इसका गुणा कर देंगे 3.14 × 10, 10 क्या है तो व्रत का व्यास दे रखा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए दशमलव आपको हल करना आना चाहिए क्योंकि दशमलव उड़ाएंगे यहाँ लगेगा नीचे एक, और जितनी संख्या पीछे होती है उतने जीरो लग जाते हैं, तो यहाँ दो जीरो लग गए। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर हमारे पास बचा है 314/10। अब बटे 10 है, किसी भी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं तो क्या होता है, जितने जीरो हैं उतनी तो संख्या देखते हैं, यानी कि 10 है तो एक जीरो देखेंगे और एक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा दशमलव 31.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। किताब में देखिए यही उत्तर है, व्रत 10 सेमी व्यास वाले व्रत की परिधि आ जाएगी 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, एक वृत्ताकार तश्तरी यानी डिस्क है उसकी परिधि ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी दे रखी है, तो वहां पर व्यास दे रखा था, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी थी, तो यहाँ सूत्र क्या लगाएंगे हम, परिधि बराबर, सीधा लिख देती हूँ मैं, परिधि बराबर 2πr, 2πr लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 × 22/7 करेंगे, r कितना दे रखा था, त्रिज्या 14 सेमी है क्योंकि जब r 14 है तो यहाँ लिख दीजिए 14, अब 7 का भाग लगाएंगे, 7 × 7, 7 × 14, अब करेंगे 22 × 2, 44, 44 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, सिर्फ सूत्र आपको याद होगा परिधि का, व्रत की परिधि का अगर सूत्र याद है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्ट परिधि नहीं पूछी है, आपको पूछा है कि इसके चारों ओर टेप लपेटनी है, तो मैंने आपको बताया परिधि क्या होगी, चारों ओर की दूरी परिधि कहलाएगी, तो चारों ओर टेप लपेटनी है यानी कि उसकी परिधि ही ज्ञात करनी है, तो पाइप की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो आपको वही करना है 2πr, 2 × 22/7 लिखना है या 3.14 लिखना है × r यानी 10 लिखना है। ठीक है, तो 62.8 आंसर आ रहा है, इजी सवाल था इसलिए इसको स्किप कर रही हूं मैं। अगला सवाल देखिए एग्जांपल नंबर 15 है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आकृति दे रखी है आपको, देखिए इस तरह की मैं आकृति बना रही हूँ एग्जांपल नंबर 15, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस आकृति का परिमाप, ये ऐसे कुछ आकृति दे रखी है, इस तरह की आकृति है, यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर और ये भी है 14 सेंटीमीटर मीटर। अब देखिए, अब यहां पर एक वर्ग दे रखा है, आकृति मैंने रफली बनाई है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में आपको यहां पर एक आकृति दे रखी है, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहां पर बीच में एक वर्ग है, ठीक है, तो ये एक तरह का वर्ग दिया गया है, अगर इसको गौर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं तो ये एक वर्ग दिया गया है, इसके चारों ओर
ठीक है, अर्धवृत्त बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वर्ग का परिमाप यहां पर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हम वृत्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति के सवाल थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है। तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब यह आधा वृत्त है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 14 दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर है। आप देखिए, आधा वृत्त बताया था मैंने आपको, आधा इस तरह की आकृति दिख रही है, 1, 2, 3 और 4 आकृतियां इस तरह की हैं। तो वृत्त का, हमने वृत्त की परिधि पढ़ी थी, क्या था, 2πr। ठीक है, तो ये आधा है तो इसका पाई आर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ही ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, हमको यहां ज्ञात करनी है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्योंकि परिधि और त्रिज्या क्या होती है, अगर ये केंद्र था तो त्रिज्या इतनी सी होती, इसका भी ये केंद्र था तो त्रिज्या कितनी होती, इतनी सी होती। तो हमारे पास यहां दे रखा है व्यास, यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, चित्र देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर है इस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है यानी कि इसका व्यास दे रखा है, अगर इन दोनों वृत्तों को जोड़ेंगे तो भी 14 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो आपको करना होगा वृत्त की परिधि, परिधि क्या थी, पाई डी। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 1/2 × πd। पाई डी यहां पर लिखा है, वृत्त की परिधि का सूत्र है, डी यानी व्यास है यानी 2r है। यहां पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये डी क्या लिख दिया है, 2πr था, उसी को हमने 2 हटाकर 2 और r को जोड़ के डी लिखा है। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा 1/2 πd। अब आपको क्या करना है, अर्धवृत्त 1/2 πi का मान आपको लिखना है 22/7 और d का मान हमारे दे रखा है 14। फिर वही कर दीजिए, 7 × 7 = 14, 2 से 2 कट जाएगा यहां पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। ये तो एक की निकली है, ठीक है, अब टोटल कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। तो इस आकृति में इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है, तो 22 × क्या कर देंगे हम, 22 × 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, इसकी परिमाप यानी चारों ओर का मापन, इसका अंदर का तो करना नहीं है। ये मत देखना कि हमें इस वर्ग का परिमाप भी निकालना है, क्योंकि वर्ग तो अंदर है ना, हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा था, हमें पूछा है परिमाप, तो इस वर्ग को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें ये 4 टुकड़े निकालने थे और वो भी इनकी परिधि निकालनी थी। ठीक है, आधा आधा आधा, यानी कि यहाँ पर दो वृत्त थे, आप दो वृत्तों को मानकर भी कर सकते हैं, और ये 1 का निकाल के आप 4 का गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको बताती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 है, सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तश्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब उसके पास ऐसे वृत्ताकार तश्तरी है, इसके वो 2 भाग कर रहा है, बराबर बराबर 2 भाग कर रहा है, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। वही बात हो गई, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको देखना है यहां पर क्या दे रखा है, हमारे पास त्रिज्या दे रखी है। तो सबसे पहले आपको देखना है, यहां पर लिखनी है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि क्या होगी, परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। ठीक है, ये तो परिधि का सूत्र है। अब अर्धवृत्त है तो उसको क्या कर देंगे, 1/2। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 1/2 × 2πr। अब देखिए 2 से 2 वैसे ही कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, आप यहां पर 1/2 πi का मान 22/7, r कितना है, 7। तो यहां पर देखिए, सॉरी 2 यहां पर लिखना था, 2 × 2 से 2 कट गया और 7 से 7 भी कट गया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि हमारी आई है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये तो परिधि आई खाली, तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप, मतलब ये तो इसके 2 भाग इसने कर दिए,
तो आधा क्या होगा, यहां पर देखिए ये आधा अलग है और ये आधा भी अलग है, तो इसका उत्तर 22 सेंटीमीटर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्यों 22 सेंटीमीटर तो ये वाली दूरी हुई है। ठीक है, अब इसमें ये वाला भी तो जोड़ना है, ये वाला, तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है। कभी भी ऐसा पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, अगर कुछ ऐसी आकृति दे दी जाए तो परिधि तो ज्ञात करनी है लेकिन उसमें व्यास को भी जोड़ना होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, व्यास को जोड़ना है तो अर्धवृत्त की परिधि आ गई। अब व्यास कितना है, त्रिज्या कितनी है, 7, तो व्यास कितना होगा, 7 × 2, तो यहां लिख देंगे व्यास बराबर 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। तो अब आ जाएगा प्रत्येक अर्धवृत्ताकार कस्तरी का परिमाप क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, देखिए 14 और इसमें क्या जोड़ देंगे 22, तो 22 और 14 को जोड़िए क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि तस्तरी है, दो भाग कर दिए हैं, इसलिए आपको ये परिधि के साथ व्यास को भी जोड़ना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे 7th क्लास की बुक से हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये तो थे परिमाप के एग्जाम्पल, अब क्षेत्रफल के एग्जाम्पल देखिए इसके बाद। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के सवाल हम कर रहे हैं, या 3 एग्जाम्पल बताऊंगी छोटे से, वही क्लास 7 की बुक से है, एग्जाम्पल नंबर 17 यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल क्या देख रहे हैं हम, क्षेत्रफल वृत्त की बात कर रहे हैं हम, वृत्त के परिमाप हमने देख लिया। आप क्षेत्रफल को देखिए, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है, सॉल्व कीजिए, 30 सेंटीमीटर या आर बराबर आपको लिखना है 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, आपको सूत्र याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर यानी 30 × 30 करना है आपको। ठीक है, 30 × 30 स्क्वायर का मान ध्यान रखिएगा, अगर 22/7 नहीं करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 × 30 × 30। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऐसे लिखना आसान होगा क्योंकि पीछे जीरो है ना, तो आपको दशमलव में लिख सकते हैं, ये और लगा दीजिए, 1 दशमलव उड़ा है उसका 1, पीछे कितने लगेंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या, आप 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लीजिए, काट लिया। अब आपको क्या करना है, 314 × 3 × 3 करना है, अगर आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा कॉपी में, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, तो आप 9 का गुणा कर सकते हैं 314 में, करके देखिए ये जरूर आएगा, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, 9 × 36 = 6 = 3, 9 × 1 = 9, 9 × 3 कितना हो गया 12 = 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। देखिए आ गया 2826, तो वही आएगा आंसर, इसलिए डरने की बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसको सॉल्व करेंगे हम, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर दिया है व्यास कितना है 9.8 मीटर है, तो परिमाप में तो हमने व्यास दिया था तो व्यास का यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र जब पाई आर स्क्वायर है, 2r नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए हमको r निकालना आवश्यक हो जाता है, हम यहाँ r निकालेंगे तो क्या करते हैं, व्यास बटा दो, तो यहाँ पर 9.8/2 करना है तो इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 9.8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4.9 मीटर, इसमें 2 का भाग लगा दीजिएगा। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप देख लीजिए, यहां सहूलियत ले लीजिए 22/7 × 4.9 × 4.9, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब पॉइंट उड़ाया 0, पॉइंट उड़ाया 1 और 0, 7 का पहाड़ा आता है आपको, 7 × 7 = 749। ठीक है, 1 यहाँ पर कम हो गया, मतलब यहाँ 7 का गुणा करना है, अब यहाँ पर 22 है और हमारे को गुणा किसका करना है, तो देखिए 22 × 7 × 49 =
सौ, बटे सौ तो आप एक दो के बाद दशमलव भी लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अपने रफ कॉपी में इसका गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये सवाल इतना आसान था। अगर व्यास दे रखा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो त्रिज्या ज्ञात करके क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। अंतिम में एक लास्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 19 है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में क्या बताया गया है देखिए, मैं रफली बनाऊंगी, दो व्रत दे रखे हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर व्रत का केंद्र दे रखा है। देखिए आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, इस तरह की ये एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में दिया है संलग्न आकृति दो वृत्तों को दर्शाती है जिसका केंद्र समान है, ये चीज होनी चाहिए, केंद्र समान होना चाहिए। बड़े व्रत की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरी देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर है, और छोटे व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर। बड़े व्रत का केंद्र है तो इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगी, ठीक है, ओ से लेकर यहाँ ए दे दिया ना, ये 10 है और ये अगर बी दे दिया तो ओ बी है 4 सेंटीमीटर, ये अंदर की है और ये बाहर की है, ये ध्यान रखना है। अब क्या ज्ञात करना है, बड़े व्रत का क्षेत्रफल। तो बड़े व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको छोटे को देखना ही नहीं है, सिर्फ उसकी त्रिज्या देखनी है। तो सबसे पहले मैं ए को सॉल्व करती हूँ, बड़े व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़े व्रत का क्षेत्रफल देखिए, इसकी आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर। तो आप लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, लिख दूंगी 3.14 × 10 × 10। अब देखिए नीचे 100 हो जाएगा, ये फटाफट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है ना, इसलिए ध्यान रखना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया यहां तक। अब बी में देखिए क्या दिया है, छोटे व्रत का क्षेत्रफल। तो जैसे बड़े का निकाला वैसे ही छोटे का निकालना है, यही वही सूत्र लगेगा क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 4 मान के करना है इसको, तो यहां हो जाएगा 3.14 × 4 × 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिर्फ गुणा ही करना है, 4 × 4, 4 × 4 = 16, तो इसमें 3.14 में आपको 16 का गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है अंतिम में दिया है दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये आप छायांकित भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग है वो छायांकित किया हुआ है, तो जो ये अंदर का व्रत है और ये बाहर का व्रत है, इसके बीच का आपको भाग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना और भी आसान हो जाएगा, अगर आपने बड़े व्रत का निकाल दिया, छोटे व्रत का निकाल दिया, तो छायांकित का क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे, तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये दे रखा है बड़े व्रत का क्या है था 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बड़े व्रत का क्षेत्रफल माइनस छोटे व्रत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, जो चीज जितना स्थान घेर रही है उसका तल जितना स्थान घेर रहा है, तो ये बड़ा व्रत घेरा तो छोटा उसके ऊपर था, तो छोटे को अगर मैं कट कर दूं बड़े में से तो बीच वाला टुकड़ा आ जाएगा। तो आपको करना है 314, इसमें माइनस कर देना है 50.24, इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको अगर दशमलव का माइनस करने नहीं आता तो अपन करके देख लेते, देखिए बड़े अक्षरों में मैं लिखती हूँ 314 है, आगे कुछ नहीं तो दशमलव के बाद क्या लगा दोगे, 2 जीरो, फिर 50.24 है तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब आप इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 0 है, तो 10 में से 4 गए तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 10 में से 3 गए या आप 9 में से 2 घटा सकते हैं, आपका आंसर आएगा 7, दशमलव का दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर है 314 और नीचे है 50, अब 4 में से 0,
ठीक है, क्योंकि हासिल दी थी ना, तो यहाँ एक हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा तीन, तीन और जीरो तो तीन आ जाएगा, एक और पांच। आप इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा आगे पीछे नहीं लिखना है। देखिए अब देखिए, यहाँ पर हासिल ली थी हमने, तो यहाँ हासिल यहाँ पर एक कट गया था, तीन और जीरो तीन हो जाएगा, एक और पांच। अब एक में से क्या पांच जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, तो फिर से सॉल्व, इकतीस में से पांच घटा दो सीधा सीधा आप, तो क्या आ जाएगा? छब्बीस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 263। अपना उत्तर क्या आ गया? 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपने बड़े का निकाला, छोटे का निकाला, तो छायांकित का निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे कर दीजिएगा। अगर डायरेक्ट छायांकित पूछे, ये नहीं पूछे, तो भी आपको यही करना है। इसका पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, तो पाई तो हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ऐसे कर देना है पाई, तो आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ऐसे करना। आर वन किसको मानोगे? बड़े वृत्त को। और आर टू किसको मानोगे? छोटे वृत्त को। आर क्या है? तो त्रिज्या है, ठीक है। तो ये सवाल इस सूत्र से भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण सूत्र देखे हैं, एक तो वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और अब एक लास्ट मैंने बता दिया आपको, छायांकित भाग आ जाए तो इस तरह का सूत्र लगा देना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।